गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट. इन लास्ट लेक्चर इन चैप्टर थर्ड वी हैव स्टडी अबाउट आयन्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड. राइट नाउ वी स्टडी अबाउट राइटिंग केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजीली. केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर मिक्सअप किए गए हैं उनको हम सिम्बॉल के थ्रू वहाँ पर क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको हम काफ़ी ईजीली लिख सकते हैं. फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल एंड कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. तो हमें क्या करना पड़ता है? जो एलिमेंट की कैपेसिटी होती है ना, उसको हम कंबाइन करते हैं. और जो उस एलिमेंट का सिंबल होता है उसको भी हम वहाँ पर क्या करते हैं बेटा? कंबाइन कर देते हैं. जब इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो निकल कर आ जाता है. काफ़ी सारे केमिकल फार्मूले, उनके सिंबल्स और उनके जो आयन्स हैं उसकी टेबल आपको दी हुई है. टेबल 3.6 पेज नंबर 37 पर आपकी बुक के. उसमें काफ़ी सारे नेम ऑफ द आयन्स दिए हुए हैं, उनके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से उसमें से पॉली एटॉमिक आयन्स हैं, कौन से उनमें से नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी वहाँ पर बेटा दिया हुआ है. तो वो टेबल को आप एक बार डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा. द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी. जो उसकी पावर होती है, मतलब अगर बोला जाए कि उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. मतलब जितनी वैलेंसी होगी वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली जो एटम्स हैं वो एक दूसरे में, जो एलिमेंट के एटम्स होंगे वो मिक्सअप हो पाएंगे. अगर वैलेंसी नहीं होगी तो कोई भी दूसरा एटम वहाँ पर मिक्स नहीं हो पाएगा. टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. और जब तक वैलेंसी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी तब तक कोई भी वहाँ पर कंपाउंड जो है वो जनरेट नहीं हो सकता है बेटा. द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थ्रू ऑफ एज हैंड और आर्म्स ऑफ दैट एटम्स, है ना. अगर हम बोलें कि वो वैलेंसी क्या है तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की थॉट बोल सकते हैं, उसके हैंड्स बोल सकते हैं या आर्म्स बोल सकते हैं. ह्यूमन बींग हैव टू आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ एट, है ना. ह्यूमन बींग में दो हाथ होते हैं और ऑक्टोपस के कितने होते हैं बेटा? एट होते हैं. इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द एट आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस आर लॉक्ड. मतलब इस तरीके से अगर किसी चीज़ को उन्होंने कैच किया है कि जितने भी एट आर्म्स हैं उसके वो भी लॉक हो गए हैं और ह्यूमन के दो आर्म्स हैं वो भी क्या हो गए, वहाँ पर लॉक हो गए हैं. मतलब उनके भी यूज़ किया गया है. How many humans do you think the octopus can hold? कितने ह्यूमन को वो होल्ड कर सकता है ऑक्टोपस? Represent the octopus with O and humans with H. अगर हम ऑक्टोपस को O से डिनोट करें और ह्यूमन्स को हम H से डिनोट करें, कैन यू राइट अ फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? क्या हम इस कॉम्बिनेशन के लिए कोई फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं? डू यू गेट ओ एच फोर? तो हमें कौन सा फार्मूला मिलेगा वहाँ पर? OH4 एज द फार्मूला. द सब्सक्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, है ना. तो 4 क्या बताएगा कि ऑक्टोपस की 8 आर्म्स थी, है ना. तो दो आर्म्स से उसने एक एक ह्यूमन को पकड़ लिया है. तो 8 आर्म्स को अगर एक एक दो आर्म लगेगी उसे एक ह्यूमन को पकड़ने के लिए, है ना. तो अपने 8 आर्म से वो कितने ह्यूमन्स को पकड़ सकता है बेटा? 8 ह्यूमन्स को, 4 ह्यूमन्स को वहाँ पर वो पकड़ सकता है ना. 4 ह्यूमन्स वहाँ पर पकड़ में आ जाएंगे. तो जो 4 सब्सक्रिप्ट होता है जो नीचे की तरफ दिया हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है कि कितने ह्यूमन को उन्होंने वहाँ पर पकड़ रखा है. द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयन्स आर गिवन इन टेबल 3.6. वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर. वैलेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. और जो 3.6 टेबल दी हुई है आपको उसके अंदर उसकी वैलेंसी के बारे में भी बताया गया है कि कितने कौन कौन से एलिमेंट की कितनी कितनी वैलेंसी वहाँ पर होती है. The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. जब भी हम chemical formula को लिखेंगे बेटा तब हमें कुछ rules को follow करना पड़ेगा. तो वो rules हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. Number one, the valencies or charges on the ion must balance. जितने भी valencies होंगी और जितने भी charges वहाँ पर होंगे उनको हम क्या करना पड़ेगा, उन्हें वहाँ पर balance करना पड़ेगा. When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first.
है ना। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, तो सबसे पहले जो सिंबल आएगा वो किसका सिंबल आएगा, वो मेटल का सिंबल वहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल की देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे हम, कैल्शियम के सिंबल को, जो कि क्या होता है Ca, और उसके बाद ऑक्साइड को लिखेंगे जिसका जिसका सिंबल होता है बेटा O। सोडियम क्लोराइड में NaCl, आयरन सल्फाइड में FeS, कॉपर ऑक्साइड में CuO एक्सेट्रा, वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स, है ना, ये नॉन मेटल्स हैं एंड आर रिटन ऑन द राइट, इसको कहाँ लिखेंगे हम, राइट साइड में, वेयर इज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स, ये क्या है सारी, ये सारी मेटल्स हैं एंड आर रिटन इन द लेफ्ट। इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो, मतलब जब भी हम कंपाउंड ऐसा फॉर्म करेंगे जिसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं, तो उनको हम किस में लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स इज़ वन, द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन जो होता है, अगर सिंगल आइटम होता है वहाँ पर उसका, तो वहाँ पर हमें वहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ली हमने कि NaOH, है ना, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही आयन जो है वहाँ पर हमने लिया है बेटा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, है ना, ऐसे कंपाउंड्स जो कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। Valencies of some ions are given in table 3.6. You can use this to write formula for compound. है ना, इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का तो उसमें उसका यूज़ हम कर सकते हैं। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituents, element and their valencies as shown below. जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो भी उनमें एलिमेंट्स मेजर किए गए, मतलब मर्ज किए गए हैं, उनकी जो वैलेंसीज होती है उन्हें भी वहाँ पर हमें लिखना होता है। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम, फिर हम क्या करेंगे, जो वैलेंसीज हमें दी होगी एटम्स की, उसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है बेटा, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, HCl होता है, सिंबल है उसका एच, क्लोरीन का क्या हो जाता है Cl, हाइड्रोजन में भी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 1, क्लोरीन में भी वैलेंसी होगी 1, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, दोनों का मिक्सअप करके फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी कितना हो जाएगा, HCl वहाँ पर हमें मिल जाएगा, है ना। मतलब हमने एक एटम किसका लिया है वहाँ पर, हाइड्रोजन का, और एक एटम क्लोरीन का लिया है, तो हमने वहाँ पर HCl को क्या कर दिया है बेटा, फॉर्म कर दिया है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन के वहाँ पर 2 एटम लेते हैं और सल्फाइड का 1 एटम वहाँ पर लेते हैं और दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S वहाँ पर हमें मिल जाता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, हमने एटॉमिक मास के बारे में पहले पढ़ रखा है। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस, इसी कंसेप्ट को हमने क्या करा है, आगे बढ़ाया है और मॉलिक्यूलर मासेस को वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर मिले होंगे उनका जो एटॉमिक मास होगा, उनका जो सम होता है, एटॉमिक मासेस का सम जो वहाँ पर मिलकर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास वहाँ पर बोलेंगे। इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, तो जो भी रिलेटिव मास होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, AMU कर सकते हैं, या फिर हमने बताया था कि केवल U भी हम वहाँ पर बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास, है ना, यूनिट मास के लिए कौन से फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला अंटिल ऑफ ए कंपाउंड, है ना, यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। जो फॉर्मूला हमने लिया है यूनिट मास का, उसमें क्या किया है बेटा, हमने जितने भी एटॉमिक मासेस थे उसको क्या कर दिया है, सम कर दिया है ना। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, तो जिस तरीके से हम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसे भी हमें जो है कैलकुलेट करना है, किसे, यूनिट मास को भी, जिस तरीके से मॉलिकुलर मास को किया है उस तरीके से यूनिट मास को भी हम करेंगे यहाँ पर।
The only difference is that we use the word formation या formula unit for those substance whose constituents particles are ions. अंतर केवल इतना आ जाता है बेटा, डिफरेंस इतना आ जाता है कि यहाँ पर हम केवल उन्हीं सब्सटेंस का नाम यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अंदर जो कि आयन्स रखते होंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव हैज़ अ फॉर्मूला यूनिट NaCl. इस फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटर. फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 1:23 + 1:35.5 जिस रेशो में हमने लिया था ना NaCl को, Na के 23 एटम्स और Cl के 35.5 एटम्स हमने मामले, तो टोटल कितने हो जाते हैं 58.5. तो टोटल AMU हो जाता है उसका, या यूनिट मास हो जाता है 58.5. नेक्स्ट है बेटा हमारा मोल कंसेप्ट, कि मोल कंसेप्ट क्या होता है. टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर. तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम लेते हैं, ऑक्सीजन के भी दो एटम लेते हैं और H2O वहाँ पर हम बना देते हैं. द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेते हैं और वो किससे कम्बाइन होता है, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से वो कम्बाइन हो जाता है टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम्बाइनिंग 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल ले लिए 32, हाइड्रोजन के ले लिए 4, और दोनों को कंबाइन करने के बाद में 36 AMU का या U का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेटा हमारा मिलकर बन जाता है. वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम उसे, या तो उसका मास हमें पता हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर जितने वो हमें पता हो. बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हम वहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है. देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम. इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं रेदर देन देयर मासेस. उसके मासेस के को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दें. सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस. तो हम उसे क्या बोलेंगे कि अब अलग अलग AMU वहाँ पर हम लिखने गए तो हमें काफ़ी लंबा पड़ जाता है. अलग 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 रिएक्शन के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ कर लेते हैं, हम वहाँ पर मोल का यूज़ कर लेते हैं. वन मोल ऑफ एनी स्पाइसेस या एटम किसके बराबर हो जाता है, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू द इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम. मतलब एक मोल किसके बराबर हो जाता है, जितने भी उसके अंदर एटॉमिक या मॉलिकुलर मासेस अवेलेबल होंगे उनको हम ग्राम में जब कन्वर्ट कर देते हैं, है ना. जितने जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि 1 dozen में कितने नंबर्स ऑफ होते हैं बेटा, कितने नंबर ऑफ पीसेस आ जाते हैं वहाँ पर, 12 नंबर ऑफ पीसेस हमें वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है. तो देखो बेटा, है ना, अब उसको अगर ग्रॉस किया जाए, है ना, वन ग्रॉस की बात, जैसे कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड, है ना. एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, फिक्स्ड है. विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 × 10²³, वन मोल किसके बराबर हो जाता है बेटा, 6.022 × 10²³. दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेन वैल्यू. और ये क्या है, हमने एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेन करी है इस वैल्यू को. दिस नंबर इज़ कॉल्ड द एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट या एवोगैड्रो नंबर भी हम इसे बोलते हैं. नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट. इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो, उनके नाम पर इसे रखा गया है. तो वन मोल किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 × 10²³ इन नंबर. जैसे कि 1 dozen में 12 नंबर्स होते हैं ना, 12 नंबर ऑफ पीसेस आ जाते हैं, और वन ग्रॉस में कितने आ जाते हैं, 144 नंबर ऑफ पीसेस वहाँ पर हमें मिल जाते हैं. तो इसी तरीके से वन मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 6.022 × 10²³. और अगर पूछा जाए कि इसे कौन सा नंबर बोलते हैं तो इसे, या इसे कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं. अब बेटा ये जो ये वन मोल हो जाता है, ये 6.022 × 10²³ नंबर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं. और ये किस में होता है बेटा, ग्राम में होता है. दस अ मोल इज़ द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट काउंटिंग यूनिट भी हम इसे बोल सकते हैं. द वर्ल्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय विलियम ऑस्टवाल्ट.
है ना, इनके थ्रू दिया गया था 1896 में. हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हिप और पाइल, है ना. लैटिन वर्ड है मोल्स, जिसका मतलब होता है हिप और पाइल. अ सब्सटेंस मे बी कंसिडर्ड एज अ हिप ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हिप ऑफ एटम. द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर, मतलब एक बड़े नंबर को छोटी सी क्वांटिटी में डिनोट करने के लिए इसे कब एक्सेप्ट किया गया, 1967 में एक्सेप्ट किया गया. द मेसिव हिप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ सिंपल, मतलब जो भी मैसिविटी थी, जो भी मैसिव हो रहा था वहाँ पर, मैसिव हिप और जो मॉलिक्यूल्स, उसको हम सैंपल वे में वहाँ पर लिख सकते हैं. तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर की रीडिंग आज यहाँ पर बेटा फिनिश होती है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे.